जय हिंद साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत धारा से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। साथियों, बात करें फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट वीवीआई है बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो नंबर वन पर आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर टू पर है लाइट्स, नंबर थ्री की बात की जाए तो वो है हीट्स। यह जो चैप्टर है यह सभी से बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में यह सभी चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए विद्युत धारा से जुड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथियों, अगर आप हमारे मैथ के मोस्ट वीवीआई चैप्टर समय और दूरी से टाइम एंड डिस्टेंस से अगर चैप्टर का अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वह सभी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उससे बिहार पॉलिटेक्निक में लगातार प्रश्न पूछते आ रहा है और पूछेगा भी इस वर्ष। ठीक है, 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर साल पूछा जाता है टाइम एंड डिस्टेंस से, जो कि मैथ के मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। त्रिकोणमिति, प्रोबेबिलिटी, यह सभी जो चैप्टर है यह सभी काफ़ी ज़्यादा वीवीआई चैप्टर है। ठीक है साथियों, मेरे एक इशू हो रहा है क्या मोबाइल में कि 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक अनकट हो जा रहा है। मतलब वीडियो चलते चलते वो अनकट हो जा रहा है, मतलब वो कट हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पाता कब हम वीडियो को आपके साथ शूट कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं और 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो कट हो जा रहा है। यह रीज़न क्यों हो रहा है आप अगर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसी के कारण। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि यह रीज़न क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में फंसने वाला क्वेश्चन हो, जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन हो उसको देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है। साथियों, यह काफ़ी इस बार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार यह रिपीटेड प्रश्न है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, बिहार पॉलिटेक्निक में भी यह पढ़े होंगे, बिहार पॉलिटेक्निक के मैट्रिक इंट्रेंस मैट्रिक के एग्जाम में, बोर्ड के मतलब 12th के एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, यह सभी में आप देखे होंगे कि यह प्रश्न को बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, जब 2 समांतर तारों से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार करते हैं ए एक दूसरे को आकर्षित, या बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, या सी अन्योन, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि जब 2 समांतर तारों से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा अगर एक हो तो दोनों तार क्या करेगी, आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी या नहीं करेगी या कोई नहीं, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 समांतर तार है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रभावित होने वाली धाराओं की जो दिशा है पर दोनों, देखिए ये 2 समांतर तारों से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक है, मतलब धाराओं की जो दिशा है ना वो एक है, मतलब ए यहाँ पर है, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये जो है धारा जो है यहाँ से भी बढ़ रही है और इसको यहाँ से भी आकर बढ़ रही है, मतलब यहाँ से इधर से जा रही है और यहाँ से आकर फिर इधर से जा रही है। तो यह जो दोनों जो धाराओं की जो दिशा होगी ना, ये दोनों धाराओं की दिशा होगी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 बहुत ही सरल और आसान है, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा, साथियों आप सभी को बताना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 है कि शक्ति का एसआई मात्रक होगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा, या सी डी वाट। साथियों, यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न आप
4 साल 3 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। और किलो वाट घंटा जो होता है वो यूनिट का होता है, जूल जो हो जाता है ऊर्जा का हो जाता है, कार्य का ऐसा यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 9 है कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो एक दूसरे को क्या करेगी। वहां पर सवाल नंबर 4 पूछ रहा था कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा की दिशा दोनों समान में बढ़ रही है तो एक दूसरे को क्या करेगी। यहाँ पर है कि विपरीत दिशा में बढ़ रही, मतलब एक है ए और बी का समांतर तार और एक है सी और डी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा है ना, एक इस तरफ बढ़ा है और एक इस तरफ बढ़ा है, मतलब यहाँ से आ रही है और यहाँ पर छूट रही है, फिर यहाँ से अब आएगी तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ए से स्टार्ट हो रही है बी तक जा रही है, बी सी से स्टार्ट हो रही है तो डी तक जा रही है, मतलब यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही है, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो यह क्या होगा, यह प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धारा को मापने, करंट को मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं करंट मापने के यंत्र को हम एमीटर कहते हैं, मतलब आमापी कहते हैं। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 16 है कि कौन समूह का अर्धचालक पदार्थ है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समूह अर्धचालक का पदार्थ है। तांबा, ए तांबा और लोहा, या बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, या सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या डी पारा और पानी। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें का कौन सा समूह अर्धचालक पदार्थ है। तो आप सभी जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना वो जो है अर्धचालक पदार्थ है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 7 कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर की जाती है। ए मैक्सवेल के दक्षिण के हस्त नियम से, या बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या सी ओम के नियम से, या डी ऑस्टेट के नियम से। साथियों आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जा सकता है किसके नियम से, तो वह है ऑस्टेट के नियम से। ऑस्टेट के नियम क्या कहती है कि आपका जो है अंगूठा का जो दिशा है वो चुंबकीय की ओर, और चारों फ्लेमिंग जो हाथों का जो दिशा है वो आपका विद्युत धारा के दिशा की ओर दर्शाता है, वही ऑस्टेट का नियम कहती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सवाल नंबर 17 कि विभांतर मापक यंत्र होता है, विभांतर को हम किस चीज से माप सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, अब विभांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर को प्रयोग करते हैं, मतलब वोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा में आपसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछेगा वो एसआई यूनिट से पूछेगा, और कार्बन में मतलब केमिस्ट्री में जो आपसे पूछेगा वो कार्बन का वो आपसे सूत्र पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा सूत्र पूछेगा आपसे, ब्यूटेनॉल एथेनॉल वो यूपीएससी जो आईयूपीसी नाम जो होता है वो आपसे पूछेगा। तो यह सभी जो है हर साल आपसे पूछेगा, ठीक है ना। एथेन का सूत्र, मेथेन का सूत्र, यह सभी जो है एल्केन का सूत्र, यह सभी का जो सूत्र होता है ये आपसे केमिस्ट्री में पूछेगा, क्योंकि यह सभी जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, यह सभी आएगा ही आएगा। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, मास्टर साहब भी आपको बोल बोल के पढ़ाए होंगे कि बउआ ये आएगा परमेय और अपरमेय संख्या, और आता था भी आपको अपरमेय और परमेय संख्या, ठीक है। और पर ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर संरेख है तो वो भी आपसे पूछ बोलते थे टीचर कि ये आएगा तो आएगा, ये आता था। लसा मसा जो बताते थे कि आएगा तो आएगा। तो ऐसी इसी तरह से बिहार पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्जाम है ना उसमें कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टिकी होती है, मतलब वो 100% आएगी। मतलब होता क्या है कि आपका जो है नाम जो है शब्दों का भाव अर्थ जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, शब्द जो है वो थोड़ा सा अलग कर दिया जाएगा, मगर क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो इसी तरह से बनाकर भेजेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
सवाल नंबर 19 पूछ रहा है कि आवेश प्रभाव के समय के दर को हम क्या कहते हैं। आवेश प्रभाव के समय के दर को हम क्या कहते हैं, धारा, बी प्रतिरोध, सी विशिष्ट या डी चालकता। आप सभी जानते हैं कि आवेश प्रभाव के दर को हम धारा कहते हैं, तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 6 की चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न क्या करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इस प्रकार का आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार का आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है वो चालक के बल उत्पन्न करती है, ठीक है ना, इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है वो चालक के बल उत्पन्न करती है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, या बी 1000 यूनिट के, या सी 1000 वाट के, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न लगातार आपसे पूछा गया है और आपके घर में बिजली खपत होती है, तो आप सभी जानते हैं कि किस में मापा जाता है। आपसे बोला जाता है ना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर नहीं ना पूछा जाता है कि आपको 7 किलोवाट से तो नहीं पूछा जाता है। आपको सीधा बोल देता है कितना कि 7 यूनिट उठा है आपका, 100 यूनिट उठा है आपका, 10 यूनिट उठा है आपका, तो वही होता है कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो कितना के बराबर होता है, तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सवाल नंबर 8 है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल कि दिशा ज्ञात होती है। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा यह प्रयोग किया गया था कि इससे हो सकता है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आपके जो हाथों की जो तर्जनी है वो चुंबकीय की ओर और आपके अंगूठा जो है वो धारा की ओर दिशा जो दर्शाती है उसे ही आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो वो जो है यह वैज्ञानिक फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से यह दर्शाया गया था, ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से यह दर्शाया गया था चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और हल्का है और बहुत ही साधारण है और लगातार पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में भी यह सभी प्रश्नों को पूछा गया है, बहुत ही इजी है मगर ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलती कर बैठते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कूलम, एम्पियर, ओम और जूल। कूलम, एम्पियर, ओम और जूल, यह सभी इजी है। यह चारों का ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए कि इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा। तो प्रतिरोध का जो जानते हैं आप सभी कि ओम है, ओम एसआई यूनिट हो जाएगा। जूल जो है ऊर्जा का एसआई यूनिट हो जाएगा। एम्पियर है जो विद्युत धारा का हो जाएगा। आप विद्युत आवेश का जो होगा वो कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि 4x4 ओम के 4 प्रतिरोध पासर बंद हो तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखिए पासर बंद होता है कि एक दूसरे को काटने के योग को हम पासर बंद कहते हैं। तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पर 4 ओम है, 4x4 ओम के 4 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पासर बंद कर रहा है यानी काटने के योग कर रहा है, तो यह कितना ओम के बराबर होगा। तो वो जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा 1। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है क्यों। इसकी ए प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक होती है इसलिए, या बी कुंडली सस्ती होती है या इसलिए, या सी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों कम होते हैं इसलिए, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बताना है कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की क्यों बनी होती है। तो देखिए विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की इसलिए हम बनाते हैं कि उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों हाई होती है। विद्युत हीटर को अगर प्रतिरोधकता अगर ज़्यादा मिलेगी तो वो वर्क ज़्यादा करेगी, वो उष्मा ज़्यादा पैदा करेगी, इसलिए नाइक्रोम तार को हम बनाते हैं प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक होने के लिए नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि ए 11 सवाल नंबर 11 पूछ रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी जूल। साथियों यह भी
प्रश्न जो है इसका भी आपको गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रीवियस ईयर में मॉडल सेट में आप टेंथ में नाइन्थ में यह सभी को आप कितना बार पढ़े होंगे इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हम लगातार बोल रहे हैं कि एसआई यूनिट को आप याद कर लीजिए, मुंह पर याद रख लीजिए, मुंह पर कि आपको किसी भी क्वेश्चन का एसआई यूनिट पूछे आप पटाख से बता दीजिए, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में एसआई यूनिट से एक दो नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 1 है कि ताप दीप्त लैंप के अंदर होता है ए निर्वात, बी वायु भरी, या सी निष्क्रिय गैस भरी, या डी हाइड्रोजन गैस भरी। साथियों आप सभी पहले ये जानिए कि ताप दीप्त लैंप किसको कहते हैं। ताप दीप्त लैंप हम ना इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को हम कहते हैं ताप दीप्त लैंप, ये पहले समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ताप दीप्त लैंप के अंदर क्या होता है, निर्वात, वायु भरी, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस। तो निर्वात किसको कहते हैं, वैक्यूम को। तो वैक्यूम तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में नहीं भरा जाएगा। वायु भरी तो मतलब एयर तो और नहीं भरा जाएगा। निष्क्रिय गैस भरी भरा जाता है, निष्क्रिय मतलब इसका कोई सुगंध उगंध ना हो उसी को हम निष्क्रिय गैस भरे कहते हैं। आप देखे होंगे कि वांटेड बॉल जो होता है ललका बॉल, वांटेड बॉल जो होता है उसको आप फोड़िएगा तो उसमें गैस टाइप का उत्पन्न होगा, गैस लीकेज होगा, तो वो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ठीक है ना। उसमें फिलामेंट जो होता है उसको निष्क्रिय गैस के द्वारा वो उसको चलाया जाता है, ठीक है। तो ताप दीप्त लैंप के अंदर जो होता है वो गैस निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14 है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित होती है, तो चालक से प्रभावित धारा होगी। तो देखिए यह जो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक से अनुप्रस्थ काट कर रही है तो उसमें 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित हो रही है, तो चालक से प्रभावित धारा जो होगी वो होगी क्या, शून्य होगी। धारा से प्रभावित जो होगा वो शून्य होगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों इतना ही प्रश्न है, मतलब आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें कमेंट में फटाफट बताइए कि हम 15-20 प्रश्न में हम 15 प्रश्नों को सही किए हैं, 14 प्रश्न को सही किए हैं, 10 प्रश्न को सही किए हैं। आप जितना सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में, जब तक के लिए जय हिंद।